स्पेशल टास्क फोर्स ने विदेशों में साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। उत्तराखंड के न्यू रोड स्थित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ कर एक दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। यही नहीं, 1,26,00,000 मौके से बरामद किए गए हैं। एसटीएफ ने 125 लैपटॉप व लगभग 250 डेस्कटॉप भी बरामद किए हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रतिनिधि बनकर लोगों को फोन करते थे। कंप्यूटर और लैपटॉप में एंटीवायरस डालने के नाम पर 500 से 1000 डॉलर लेते थे, लेकिन एंटीवायरस नहीं डालते थे। ये नंबरों का डाटा इन्होंने दिल्ली से लिया हुआ था। कॉल सेंटर में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें हमारी साइबर और एसटीएफ की टीम ने जो है संयुक्त रूप से कल उसको चेक किया वहाँ पर, और चेक करने के बाद पाया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर लंबे पैमाने पर धोखाधड़ी की जा रही थी। वहाँ के जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, 400 करीब पीसी और लैपटॉप थे, उनको कब्जे पर लिया गया है। 14 लोग को हिरासत में लिया गया, 5 से 6 लोग को वॉन्टेड किया गया है। साथ ही साथ मौके से 1,26,00,000 रुपये बरामद हुए हैं। जिस संबंध में जानकारी अभी लगी है कि वो कमीशन के पैसे थे जो फ्रॉड के रूप में वितरित किए जाने थे। अभी हमारी टीमें उसमें जांच में लगी हुई, जांच के बाद समस्त चीजों को स्पष्ट हो पाएगा कि ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा था, इसमें और अन्य कितने लोग। आरोपी अमेरिका और कनाडा फोन करके वहां नागरिकों से ठगी करते थे। वहां लोगों को फोन करके धमकाते थे कि उन्होंने पॉर्न साइट सर्च की है, ऐसे में उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। आरोपी कार्रवाई न करने के एवज में उनसे मोटी धनराशि वसूल करते थे। आरोपितों ने देहरादून के इसी रोड स्थित एक बिल्डिंग 4,00,000 रुपए प्रति महीना किराए पर ले रखी थी। इसमें ही ये कॉल सेंटर ए टू जेड का संचालन कर रहे थे। आरोपियों ने यह ऑफिस 7 माह पहले खोला था। आरोपितों ने इसके लिए बकायदा 300 लोगों का स्टाफ रखा हुआ था और वे उन्हें 20,000 से 25,000 रुपए महीना सैलरी देते थे। आरोपितों ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम से अपना टोल फ्री नंबर भी जारी कर रखा था। गूगल में कंपनी का नंबर सर्च करने पर यह नंबर दिखाई देता था, जिससे लोग इनके झांसे में फंस जाते थे। एसटीएफ उत्तराखंड व साइबर थाना पुलिस की रात से कार्रवाई जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल।